तो हेलो आप सभी को और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड गौतम सरा ब्लॉग। तो जो बोलता मैं सभी, कैसे आप सब ठीक हो? तो जैसे कि आज का आपको मैंने बोला था कि इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो पता है क्या, अभी मतलब मैं वहाँ पे ना, जहाँ पे छठ पूजा हमने मनाया, वहाँ पे हम पूरे रात रहने के लिए कह रहे भैया जो है ना कार्यकर्ता, वो सब कह रहे पूरे रात रहना। तो मैं पूरे रात वहीं पर रहूँगा और मैंने सोचा कि इंट्रो यहीं पर शूट कर लेता हूँ, नहीं तो मैं वहाँ पे भी शूट कर सकता ना यार। पर पता है क्यों वहाँ पे शूट नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे है ना गाना बज रहा है, आपको भी पता होगा। तो वहाँ गाना बज रहा है ना, तो कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट से बहुत डर लगता है। तो मैं यहाँ पे घर आया था, तो अभी खाना मैंने खाना वहीं खा लिया, खाना लाया था ना मैं खरीद के, तो वहीं। तो अभी पता है 12 बजने वाले, तो चलते हैं, पूरे रात रहना वहीं पर और देखते कैसे क्या रहता है, फुल मज़े वजे आएगा, आ सकता है। तो मैं चार्जर भी लेने आया था, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है ना इस फ़ोन में, तो चार्ज भी लेने के रहता, तो यही सब कहना है। और अभी तो रात के 12 बजे और देखते पूरा दिन कैसे, मतलब पूरा रात कैसे गुजरता है। मैं तो बैठ रहूँगा, और भी दोस्त सब है, देखते कौन कौन आता है, मैं तो वहीं रहूँगा। तो चलते हैं वहाँ पे। और अब मैंने बोला था ना आपको वीडियो भी एडिट करूँगा, वहीं बैठ के वीडियो एडिट कर लूँगा, क्योंकि सिस्टम लगा ना वहाँ पे, तो फ़ोन भी चार्ज में लगा दूँगा और वीडियो भी एडिट कर लूँगा, बस हो गया। तो अभी चलते हैं, अब सुबह वाला छठ पूजा होगा और कल शाम वाला था, तो अब चलते हैं वहीं पे। ओके तो चलो। तो मेरा भाइयों, आज का डीजे वाला मैं हूँ, आज पूरे रात को बनाना, आज फुल सिस्टम हो रहा है, यहाँ पे फुल डांस करने वाले हैं भगवान के गाने पे। तो आओ मैं उनका डांस दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये घर वाले आए रात के 2:18 हो रहा है, और सबसे पहले ये आए इसलिए ना सफाई चल रही है, अभी मैं भी झाड़ू लगा रहा था, ये आए इसलिए, ठीक है। तो यही है सबसे पहले जो रात के 2:18 पे आ रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। Yeah.
तो अब काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए ना, तो मैं ना फिलहाल अभी ड्रेस चेंज करूँगा, और उसके बाद फिर जो सामान है मैं भैया को जगा दिया अभी मैंने, मैं और भैया लेके चले जाते हैं वहाँ पे, रख देते हैं। और टाइम भी पता है कितना हो गया, नहीं 4:20 हुआ है, जस्ट 4:20। तो मैं कपड़े चेंज करता हूँ और मुँह धोता हूँ, फिर चलते हैं डलिया सब लेके। ओके स्टार्ट। तो मैं ब्रश करके कपड़े चेंज कर लिया, तो मेरा आउटफिट देख लो, निकलियो भाई। चप्पल को मत लेना, बाकी ऊपर ले लो। तो हाँ, अब मेरा भाई भी उठ चुका है, मैं जा रहा हूँ वो हाथी लेने दोबारा से, और भाई छीटा उठाएगा तो लेके आता हूँ, ठीक है? मैं अब वेट करना, चल मेरा अब इधर से आएंगे, इधर से। अब ये पकड़ रहे, बोलू एक जरा पकड़ लो इसे, इसे पकड़ ले। अब ऐसे ऐसे हाथ ही मत पकड़, हाथ ही तो मेरा है। चमक गया है तो चल भाई। देना उनके घर में समृद्धि देना और उनके परिवार में खुशियां देना, और इस व्रत को करने से जो भी पार्षद जरूर बना दे, टिकट तो लेके आएंगे ही हम लोग, यही कहेंगे भाई साहब आप टिकट लेके आइए, जिताना मेरा काम है। धन्यवाद भाई। जितने हमारे भाई लोग आगे खड़े हैं मंच के आगे, प्लीज आप लोग बैठ जाइए, सिया पड़ी हुई है, बैठ जाइए प्लीज। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, नाश्ता पानी आ चुका है, चाय और व्यवस्था की गई है, नमक पारे कहा गए हैं। नमक पारे भी है, चाय भी है, सबको दीजिए। हम अब हमारे बीच में हमारी महान रेणु बाला जी छठ माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आई है, और ये कहने के लिए बात नहीं, सचमुच मेरी बहन है और हमारे बीच की है, हमारे घर की है, हमारे कॉलोनी की है, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी है, और उनका मैं इस मंच के माध्यम से, इस कॉलोनी के माध्यम से, इस छठ घाट के माध्यम से, रेणु बाला जी ने इस घाट को बनाने में बड़ा सहयोग किया। ये जो इन्हीं के द्वारा आई है, चाहे जैसे आई हो, बाकी इन्होंने समय समय पर बड़े भीड़ जमा। सभी को छठ की हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद।
ठीक है तो किया जा रहा है तो सबका नाम लेना चाहिए, नहीं तो किसी का नहीं लेना चाहिए, कोई बात नहीं, बच्चा हम लोग भी बच्चे ही हैं, आप लोगों के माँ के सामने कैमरा सर मेरे साथ ये किसका फोन है, हम लोग बस चंदा लेने के लिए निकले थे तो उम्मीद किया था कि ₹20,000 तो आप हम माता रानी का क्या मानेंगे, हम कितना अगली बार से हम इसकी कबर व्यवस्था कर देंगे, रात में झड़कियों का भी प्रोग्राम करेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करवाएंगे, अगली बार आपको देखिएगा क्या होगा, देखो बार बार हमारे सामने से राधा कृष्ण भगवान जा रहे हैं तो माता रानी कह रहे हैं कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, अगली बार आपको यहाँ पे माता रानी के झड़कियों का भी दर्शन होगा, ये आशा नहीं पूरी उम्मीद है, एक बार जगह बोलिएगा, हमने जोर से जगह बोला कि यहाँ से काम थोड़ा गौतम जी एक एक पकड़ के उसके अंदर मैं देता हूँ, एक पकड़ के आवाज लगाएंगे भगवान से प्रार्थना करेंगे, ये बड़ी सच्ची बात है, ये प्रकृति का पूजन है, प्रकृति का पर्व है और इसमें सिर्फ उसी का पूजन किया जाता है जो हमारी प्रकृति देती है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं बनाई जाती, ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हो, का प्रसाद बनाया जाता है, दुकान से कोई नहीं लाया जाता, ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रकृति की पूजा है, सूर्य भगवान की पूजा है। उजाला हो चुका है रात से पूरा, मैं सुबह तक कुछ भी नहीं सोया और अब उजाला हो गया, आप देख ही सकते हो ऊपर, मतलब अब दिन हो गया, तो अब ये सब पानी में खड़े तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है यार क्या करें, चलो दिखाता हूँ आपको। तो आज पता है क्या, आज छठ पूजा लास्ट दिन, तो सबसे पहले इसने ये लोटा लेके देख रहे हो, इसने पूरा सफाई वफाई भी कर दिया दूध का, ये रहा सबसे पहले घुसा था उस गड्ढे में, सबके दूध की तूने बर्बादी कर रहा सबसे ज्यादा ना गोलू, हंस भी रहा है, हंस रहा है, दूध की बर्बादी है सब कर रहे हैं, और ये लोटा भी दोबारा भरने के प्लान में क्या तू, ये देख लो लोटा भी दोबारा भरने के प्लान में हंस रहा है, हाँ पूरी दुनिया को दिखेगी लोटा। मैं गौरी मैं काली मैं मन तो बहुत है और जाऊंगा नहीं, ये देख लो मजे ले रहा, छठ पूजा खत्म, मम्मी गई घर, चलो बहुत सुंदर पूजा आज का हुआ, बहुत ही अच्छा, लड़ाई चल रही है, रोशनी जल्दी कर, जाओ
तो फाइनली हमारा छठ पूजा मन चुका है, दोनों शाम वाला भी और सुबह वाला भी। काफ़ी अच्छा छठ पूजा मना, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और मुझे ना मतलब पानी में जाने का 1% भी मन नहीं था, तभी उठा के भैया और मेरा दोस्त अभिषेक उन दोनों ने मुझे पानी में धकेल दिया, तो मुझे नहाना पड़ा, ठंड लग रही थी। और अभी पता है मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही ना भाई, पूरे रात जगा हूँ, इतना से भी नहीं सोया हूँ, क्योंकि एक तो वीडियो भी शूट कर रहा था मैं बता आपको, और ब्लॉग भी एडिट कर रहा था, तो कल छठ वाला ना ब्लॉग भी एडिट कर रहा था, तो वो तो एडिट हो चुका है पूरा, उसके बाद बस अब अपलोड करना है, पर अभी अपलोड नहीं करूँगा, मैं सोऊँगा, अपलोड बाद में करूँगा जब सो के उठूँगा तब। तो अब यही कि काफ़ी बढ़िया मतलब छठ पूजा अच्छे से मनाए और काफ़ी अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, और रात पहली बार इतने पूरे रात जगा मैं छठ पूजा में, नहीं तो नहीं जगता कभी भी, और फिर वही सब था, अच्छा था सब कुछ। तो अब यही बोलूँगा कि अब करते ब्लॉग का एंड, और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हेलो गाइस, हम भैया जा रहे हैं नमक पाड़े बांटने।